हेलो स्टूडेंट्स स्टडी फोकस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम सेवंथ क्लास साइंस का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है हीट ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हीट क्या होती है टेम्परेचर क्या होता है व्हाट इज़ टेम्परेचर अ रिलाइएबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है उसका जो रिलाईबल मेज़र होता है वो होता है उसका टेम्परेचर और टेम्प्रेचर को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं थर्मोमीटर लास्ट टाइम हमने देखा था क्लिनिकल थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर होता है जो ह्यूमस बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है ठीक है ह्यूम्स बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने वाले थर्मोमीटर को हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर जिसे आप फिगर में देख रहे हैं ठीक है तो हमने देखा था कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए तीन तरह की स्केल जो हैं वो यूज़ की जाती हैं एक थी सेल्सियस स्केल एक थी फेरन स्केल और एक थी कैलविन स्केल ठीक है पुराने समय में ये जो फ़ारेनहाइट स्केल है पुराने समय में फ़ारेनहाइट स्केल का यूज़ किया जाता था ज़्यादा और आजकल के प्रेजेंट टाइम में सेल्सियस स्केल जो है सेल्सियस स्केल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है ठीक है और ये जो कैलविन स्केल है इसका यूज साइंटिस्ट करते हैं तो ये जो सेल्सियस स्केल है ये जो रीडिंग करता है ठीक है सेल्सियस स्केल में जो रीडिंग होती है वो होती है थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस मींस ये जो सेल्सियस स्केल है ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को जो मेज़र करता है तो इसकी जो रीडिंग होगी वो थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस और ये जो डिग्री सेल्सियस है ये इसकी यूनिट्स हैं ठीक है थीके? और फेरन स्केल पर जो फेरन स्केल की जो रीडिंग होती है उसकी जो रेंज होती है वो होती है नाइन्टी डिग्री फेर एनहाइट टू वन जीरो एट डिग्री फेर ठीक है फेर की जो आपकी यूनिट्स होती हैं वो होती है डिग्री फेर सेल्सियस स्केल में जो रीडिंग्स होंगी वो थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस होगी और जो फेर स्केल है उसकी जो रीडिंग होगी वो नाइन्टी फोर टू वन जीरो एट डिग्री फेर की जो है वो इसकी रीडिंग होगी हमने ये भी देखा था कि रीडिंग कैसे की जाती है थर्मोमीटर की ठीक है थर्मोमीटर की रीडिंग कैसे करनी है तो आज की वीडियो में हम देखेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट अब हमने देखा कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन्स बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है बट जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे ठीक है हम कैसे मेजर करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर्स तो इस काम के लिए और भी जो है वो थर्मोमीटर्स होते हैं वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर और उनमें से एक है लेबोरेटरी थर्मोमीटर ठीक है जो लैब में यूज़ किया जाता है द टीचर विल शो यू दिस थर्मो थर्मोमीटर तो जो आपकी टीचर है वो आपको शो करेगी ये जो आप फिगर में देख रहे हैं ये वाला ये जो है ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर ठीक है तो आप इसकी लेंथ को देख सकते हैं किस तरह का जो है ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज अब अलग अलग काम को अलग अलग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो है वो अलग अलग तरह के थर्मोमीटर यूज़ किए जाते हैं द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वैदर रिपोर्ट आर मेजर्ड बाई थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर ठीक है अब पिछले दिन में पिछले दिन में जो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था या फिर मिनिमम टेम्परेचर क्या था ठीक है जो वेदर रिपोर्ट्स होती हैं आपकी उनमें सारा बताया होता है कि पिछले दिन जो है वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब था या सबसे कम टेम्परेचर कब था तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक थर्मोमीटर से मेज़र की जाती हैं जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर ठीक है जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो दिन के समय में होता है दिन के समय में जब सूरज ठीक आपके सिर के ऊपर होता है तो उस टाइम जो है वो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है अर्ली मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जब सुबह नहीं हुई होती है तो तब जो है वो सबसे कम टेम्परेचर होता है तो इस तरह से ये जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर है ये पता लगाता है कि कब टेम्परेचर मैक्सिमम है कब मिनिमम है ठीक है लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाइस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर तो आपने ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इसको आपने ध्यान से देखना है और देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा ठीक है इसको अच्छे से ध्यान से देखिए और इसमें नोट कीजिए कि जो हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर और इसकी रीडिंग को देखिए कि ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो कहाँ तक जो है वो मेज़र कर सकता है तो यहाँ पे आप वन टेन देख सकते हैं और यहाँ पे जो है वो सबसे कम आपने देखना है कि कहाँ तक जो है ये रीड करता है द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू वन टेन डिग्री सेल्सियस अब हमने ऊपर देखी थी जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर था उसमें जो रेंज तो थी वो थर्टी फाइव टू फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस थी ठीक है फेर स्केल की अलग थी ठीक है तो इसी तरह अब ये जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इसकी जो रेंज है ये जो रीडिंग करेगा टेम्परेचर को मेजर करेगा तो ये माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री सेल्सियस की रीडिंग कर सकता है जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर आप फिगर में देखिए वन ट वन टेन डिग्री एंड यहाँ पे नीचे ठीक है ये है जीरो वन तो ये जीरो के नीचे जो आएंगे आपके यहाँ पे जैसे वन है तो ये माइनस हो जाएगा ठीक है जीरो से ऊपर तो आपके मतलब प्लस में ही होते हैं तो जीरो के नीचे वाली जो रीडिंग्स होंगी जैसे यहाँ पे आप मान के चलो तो यहाँ पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ऐसे ऐसे तो माइनस टेन जो है वो ये रीडिंग करेगा माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री सेल्सियस तक ये रीडिंग करेगा ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीज़न ऑन दिस थर्मोमीटर रीड्स तो जैसे कि आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर के ऊपर भी देखा था कि जो ऐसे जो बड़ी लाइन्स थी उनके बीच में जो छोटी छोटी डिविजन्स थी तो आपने देखा था कि ये जो छोटे डिवीजन्स हैं इनकी कितनी रीडिंग होती है ज़ीरो पॉइंट फाइव समथिंग जो है आपने देखा था तो आपने ये भी देखना है कि ये जो छोटी छोटी डिविजन्स हैं इनके बीच में कितनी जो है वो रीडिंग आती है आती है ठीक है यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली तो आपको ये पता होना चाहिए अगर आपने थर्मोमीटर की रीडिंग को अच्छी तरह से समझना है अच्छी तरह से आपने रीड करना है तो आपको ये जो डिविजन्स हैं इनके डिविजन्स का रीड डिविजन्स की रीडिंग का पता होना चाहिए लेट एस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज़ यूज तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो थर्मोमीटर है इसको रीड कैसे करना है एक्टिविटी फोर पॉइंट फोर है टेक सम टैप वाटर इन अ वीकर और अ मक तो आपने एक बीकर में नल का पानी लेना है डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द इज इमर्सड इन वाटर इमर्स्ड होता है पूरी तरह से डूब जाना तो आपने क्या किया आपने एक बीकर में पानी लिया और उस बीकर में थर्मोमीटर को ये जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको उसमें डुबो दिया ठीक है उसमें पानी के अंदर उसको डाल दिया बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर बट जैसे कि आपने ये कंटेनर लिया इसमें आपने लेबोरेटरी थर्मोमीटर डाल दिया और यहाँ पर पानी है तो पानी के अंदर डाल दिया बट आपने ध्यान रखना है कि ये जो आपका थर्मोमीटर है लेबोरेटरी थर्मोमीटर बॉटम यानी कि जो बेस होता है तो इसको नीचे से टच ना करे और यहाँ से साइड से भी ये जो है आपका थर्मोमीटर टच ना करें इसे ठीक है होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली वर्टिकली होता है इसे सीधा करके इससे ये वीकर है तो वर्टिकली यानी कि बिल्कुल सीधा करके जो है वो आपने थर्मोमीटर को पकड़ना है ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्करी इन द थर्मोमीटर और आपने ध्यान से जो है वो ऑब्जर्व करते जाना है कि मर्करी की जो है मूवमेंट कहाँ को होती है वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी और आपने तब तक वेट करना है जब तक आपकी जो मर्करी की थ्रेड है वो एक जगह पे रुक नहीं जाती एक जगह पे फिक्स नहीं हो जाती तब तक आपने उसका वेट करना है जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है तो इस तरह से वर्टिकली आपने जो है वो सीधा करके जो है थर्मोमीटर को पकड़ना है और आपने ध्यान देना है कि ये जो नीचे बॉटम से आपका जो थर्मोमीटर है ये टच ना करे और साइड से भी जो है आपका थर्मोमीटर टच ना करे मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर विद द एंड विद एन लेबोरेटरी थर्मोमीटर तो इस तरह से आपने जो है वो टेम्परेचर को मेज़र करना है और आपने देखना है नोट द रीडिंग फिर आपकी जो मरकरी की थ्रेड है जब फिक्स हो जाएगी एक जगह पे जब रुक जाएगी तो आपने रीडिंग नोट करनी है कि क्या रीडिंग आई है दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम तो ये जो टेम्परेचर आपका आया जो रीडिंग आई वो उस टाइम का टेम्परेचर होगा पानी का ठीक है पानी का जो टेम्परेचर होगा उस टाइम का वो होगा ये कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ़ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईट स्टूडेंट इन द क्लास तो इसी तरह आपके क्लास के जो और बच्चे हैं सभी ने जो है वो अपनी अलग अलग जो है वो रीडिंग करनी है वाटर के टेम्परेचर को मेज़र करना है और फिर उसको बाद में कंपेयर करना है कि कितनी रीडिंग जो है वो आती है सभी की इन एडिशन टू द प्रिकॉशंस नीडिड फाइल रीडिंग अ क्लीनिकल थर्मोमीटर द लेबोरेटरी थर्मोमीटर अब आपने देखा था जब हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था तो कुछ एक प्रिकॉशंस हमने ली थी तो वो सारी प्रिकॉशन तो आपने साथ ध्यान में रखनी ही हैं उसके साथ साथ आपने लेबोरेटरी थर्मोमीटर के लिए कुछ और सावधानियाँ भी रखनी हैं शुड वी कैप्ट अपराइट नॉट टेल्टेड अपराइट यानी कि आपने सीधा करके जैसे यहाँ पर रखा है तो इसी तरह से सीधा करके जो है उसको पकड़ना है वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए आपका थर्मोमीटर बल्ल शुड वी सराउंड बल्ल है ये जो आपका थर्मोमीटर है थर्मोमीटर का ये जो बल्लब है ठीक है तो ये जो बल्लब का जिस ऑब्जेक्ट का जिस सब्सटांस का आपने टेम्परेचर मेजर करना है तो उस सब्सटांस से ये, से ये जो आपका थर्मोमीटर का बल्लब है ये चारों तरफ से उस सब्सटांस से घिरा हुआ होना चाहिए ठीक है द बल्लब शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ द कंटेनर और ये जो बल्लब है ये सरफेस को टच ना करें नीचे यानी कि बॉटम को ये टच ना करें तो जो भू है वूजो ना अंडरस्टैंड वाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट यूज़ टू मेजर हाई टेम्परेचर अब जो भूजो है उसको समझ आ गई है कि क्यों ये जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ क्यों नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रीडिंग जो है वो सिर्फ थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस ही है जबकि आपका जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री सेल्सियस की रीडिंग को वो कर सकता है बट स्टिल वंडर्स बट स्टिल वंडर्स वैदर अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज़ टू मेज़र हिज बॉडी टेम्परेचर बट वो अभी भी हैरान हैं कि क्या ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इसको वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ कर सकता है आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग्स तो क्या अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो क्या रीडिंग्स में कुछ वेरिएशन आएंगी डिस्कस द पॉसिबल रीज़न तो जो भी पॉसिबल रीज़न है आप उनको डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ लेटस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन तो आइए अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं उस आंसर uh, का पता लगाते हैं एक्टिविटी फोर पॉइंट फाइव है टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग तो आपने एक बीकर में या मग में गर्म पानी लेना है डिप द थर्मोमीटर इन वाटर और थर्मोमीटर को वाटर में आपने डुबो दो डुबो देना है वेट टिल द मर्करी थर्ड विकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर अब आपने फिर से जो है वो वेट करना है कि मर्करी थर्ड आपकी जो है वो एक जगह पे रुक जाए और आपने टेम्परेचर को नोट करना है नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर अब आपने थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकाल लेना है ऑब्जर्व केयरफुली वट हैपन्स नाउ और आपने अब ध्यान से देखना है कि क्या होता है डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्करी बिगिनस टू फॉल तो क्या आपने नोटिस किया कि जैसे ही आपने थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकाला तो जो मर्करी का लेवल था वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट वी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर जो है वो उसी टाइम मेज़र करना पड़ेगा जब थर्मोमीटर पानी के अंदर होगा हमने ऊपर प्रिकॉशंस में क्या देखा था कि जो आपका बल्लभ है थर्मोमीटर का जो बल्लभ है वो चारों तरफ से उस सब्सटेंस से घिरा हुआ होना चाहिए जब हम टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो आपका जो बल्लभ है थर्मोमीटर का वो चारों तरफ से उस सब्सटेंस से घिरा हुआ होना चाहिए जिसका हमने टेम्परेचर मेज़र करना है तो होता क्या है जब हम थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं पानी से तो जो बाहर एटमोसफेयर का जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से इसका जो मर्करी का लेवल है ये फ्लक्चुएट होने लगता है ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर जो है वो तभी रीड करना है जब थर्मोमीटर पानी के अंदर होगा यू मे रिकॉल दैट वाईल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग तो अब आप याद कर सकते हैं कि जब आप अपना खुद का टेम्परेचर जो है वो नोट करते हो जब आप खुद का टेम्परेचर मेज़र करते हो तो आपको अपने मुंह से थर्मोमीटर को बाहर निकालना पड़ता है कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेज़र योर बॉडी टेम्परेचर तो क्या अब आप यूज़ कर सकते हो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है क्या अब आप उसको यूज़ कर सकते हो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए नहीं कर सकते क्यों क्योंकि आपको पता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर को टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हमें जो थर्मोमीटर है उसको पानी के अंदर ही जो है वो टेम्परेचर को हम मेज़र कर सकते हैं बट अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं तो हम जो है वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ नहीं कर सकते अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए वो जो वंडर्स वाई द लेवल ऑफ मर्करीज शुड चेंज एट ऑल व्हेन वेन द बल्लब ऑफ द थर्मोमीटर इज ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट तो जो भूजो है वो हैरान है कि क्यों मर्करी का लेवल जो है वो चेंज हो जाता है मर्करी का लेवल जो है वो नीचे आ जाता है जब थर्मोमीटर के बल्लब को हम किसी और ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में लाते हैं ठीक है तो वो इस चीज़ से हैरान है ओब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज़ तो हाँ ये जो है वो नहीं हम कर सकते जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको हम अपना बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसको जो है उसका टेम्परेचर तभी हम मेजर कर सकते हैं जब सब स्टांस से चारों तरफ से वो घिरा हो वाई डज़ द मर्की नॉट फॉल और राइस इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर वैन टेकन आउट ऑफ द माउथ अब होता क्या है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जब हम उसको मुंह से बाहर निकालते हैं तो उसमें मरकरी का लेवल क्यों नहीं गिरता ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन तो आप फिर से जो है वो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर को अच्छे से ध्यान से देखिए डू यू सी अंक नियर द बल्लब तो क्या आपको एक किंक नजर आती है बल्लब के पास किंक होती है एक गांठ ठीक है एक गांठ की तरह तो बल्लभ के पास क्या होती है जो यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर है तो यहाँ पे देखिए बल्लभ के पास में ये जो आपको दिख रही है ये है किंक ठीक है एक गांठ जो है तो ये मरकरी के लेवल को नीचे गिरने से रोकती है तो वट इज़ द यूज़ ऑफ दिस किंक ये जो किंक है इसका क्या यूज़ है इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन तो ये मरकरी के लेवल को अपने आप गिरने से ये रोकती है कौन किंक वट इज़ द फंक्शन ऑफ किंक किंक प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन अपने आप इसे का लेवल को गिरने से रोकती है देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्करी इन द थर्मोमीटर्स ठीक है अब जो थर्मोमीटर्स हैं थर्मोमीटर्स में मर्करी को यूज किया जाता है तो इसको ले, इसको लेके जो है वो बहुत सारी बातें हैं बहुत सारी चिंताएँ हैं एक तरह से मर्करी इज अ टॉक्सिक सब्सटांस एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफर्मोमीटर ब्रेक्स तो ये जो मरकरी है ये जो ए, ए, एक बहुत टॉक्सिक यानी कि बहुत ही जहरील जहरीला सब्सटेंस है और डिस्पोज होता है इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता डिस्पोज यानी कि नष्ट करना ठीक है तो ये जो मरकरी है एक तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस है और ऊपर से अगर गलती से कभी थर्मोमीटर टूट जाता है तो जो मरकरी बाहर आएगी उसको डिस्पोज करना उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता दिस डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी अब आजकल के टाइम में जो है वो डिजिटल थर्मोमीटर्स यूज़ किए जाते हैं जिनमें मरकरी का यूज़ नहीं होता नेक्स्ट नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना ठीक है ट्रांसफर ऑफ हीट हमने हीट पढ़ लिया कि हीट क्या होती है तो हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगी यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट वैन कैप्ट ऑन अ फ्लेम तो आपने ये ऑब्जर्व जरूर किया होगा कि जब हम फ्राइंग पैन को किसी फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है ठीक है आग के ऊपर रखने से वो गर्म हो जाता है इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल यूटेंसिल होता है बर्तन तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो फ्लेम होती है जो आग होती है उसमें से हीट ट्रांसफर हो जाती है बर्तन में वेन द पैन इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली स्कूल डाउन और जैसे ही हम आग पर से या फ्लेम पर से बर्तन को हटाते हैं तो वो धीरे धीरे थोड़ा ठंडा होने लगता है वाई डज़ इट कूल डाउन तो ये ठंडा क्यों होता है द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग तो जो पैन होता है जो आपका बर्तन होता है तो जब आप इसको फ्लेम से बाहर रख देते हो नीचे उतार के तो ये इसकी जो हीट होती है जो इसकी गर्मी होती है वो धीरे धीरे जो है वो सराउंडिंग में आसपास जो है वो चली जाती है ट्रांसफर हो जाती है सराउंडिंग में सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेज द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट तो आपने दोनों ही केसेस में क्या देखा कि जो हीट है जो गर्मी है जो गर्माइश है वो जो है वो एक हॉट ऑब्जेक्ट से जो गर्म ऑब्जेक्ट है उससे एक कोल्डर ऑब्जेक्ट में जाती है ठीक है एक हॉटर ऑब्जेक्ट से एक ठंडे ऑब्जेक्ट में हीट जो है वो जाती है इनफैक्ट इनफैक्ट इन ऑल केसेज हीट फ्लोज फ्राम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट हकीकत में क्या होता है कि हीट जो है वो हमेशा एक गर्म ऑब्जेक्ट से एक ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी ठीक है हीट जो है वो हमेशा एक हॉट ऑब्जेक्ट से एक ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है हाउ डज हीट फ्लो तो हीट जो है वो कैसे फ़्लो करती है कैसे जाती है लेटर्स इन्वेस्टिगेट तो आइए हम पता लगाते हैं पहली आस्क डज़ इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज द सेम तो जो पहली है वो पूछती है कि क्या इसका ये मतलब है कि अगर मान लो कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं दो ऑब्जेक्ट्स दो हैं और दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर जो है वो एक समान है तो क्या उनमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी ठीक है दोनों ही ऑब्जेक्ट अगर एक जैसे टेम्परेचर के हैं तो उनमें क्या हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी एक्टिविटी फोर पॉइंट सिक्स है टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल से ऑफ़ एलुमिनियम ऑफ आयरन तो आपने एक रॉड लेनी है या फिर आपने मेटल की एक रॉड या फिर स्ट्रिप लेनी है चाहे वो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप हो या रॉड हो या आयरन की हो फिक्स अ फ्यू स्मॉल बैग्स पीसेज ऑन द रोड रॉड ठीक है तो अब आपने क्या करना है रॉड के ऊपर आपने बैग्स जो मोम होता है उसके पीसीज छोटे छोटे जो हैं वो लगा देने हैं दीज पीसेज शुड वी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस आपने इस तरह से लगानी है कि वो एक दूसरे से एक समान दूरी पर हों ठीक है, थीक है? क्लैम्प द रॉड टू stand clamp होता है दबाना ठीक है या किसी चीज के साथ बांध देना तो आपने जो है वो उस रॉड को अब एक स्टैंड के साथ लगा देना है बांध देना है इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो जैसा कि फिगर में दिखाया गया है आप उस तरह से ईंटों के बीच में जो है वो अपनी रॉड को रख सकते हैं जहाँ पे आपने ये मोम लगाया है ठीक है नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व अब आपने क्या करना है इस जैसा कि फिगर में दिखाया गया है यहाँ पे आपने जो है वो अपनी मेटल रॉड रख दी है और यहाँ पे आपने जो है वो वैक्स लगाया है और यहाँ पे कैंडल से आप हीट करें कैंडल या कोई भी जो हीट सोर्स है आप यहाँ पे जो है वो एक एंड को यहाँ से गर्म करेंगे डू दिस पीसेस विगिन टू फॉल तो क्या आप देखते हो ठीक है तो आप क्या देखोगे कि ये जो वैक्स हैं वैक्स के जो पीसेज हैं ये धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएंगे विच पीस फॉल्स द फर्स्ट और कौन सा जो वैक्स का पीस है वो सबसे पहले गिरना शुरू होगा डू यू थिंक दैट हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड तो क्या आप सोचते हो कि आपको लगता है कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है ठीक है कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है जहाँ पे फ्लेम है फ्लेम के पास वाले एंड से दूसरे एंड की तरफ जो है वो हीट इस तरह से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ठीक है क्योंकि सबसे पहले तो ये वाला वैक्स पिघलना शुरू होगा फिर ये वाला फिर ये वाला तो हीट जो है वो यहाँ से जहाँ से आपका हीट का सोर्स है वहाँ से जो है वो इस एंड से दूसरे एंड की तरफ को जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है द प्रोसेस वाई विच हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन वट इज़ कंडक्शन The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. मतलब किसी एक हॉट ऑब्जेक्ट से हॉट एंड से कोल्ड एंड ठीक है एक गर्म जगह से ठंडी जगह पर जब जो है वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो उसको हम कहते हैं कंडक्शन इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाई द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन सॉलिड्स आपको पता है सॉलिड्स क्या होते हैं तो सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफ़र होती है सॉलिड्स में जो हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो किस प्रोसेस के थ्रू जाती है कंडक्शन के थ्रू कंडक्शन क्या होता है जब हीट जो है वो गर्म ऑब्जेक्ट से एक हॉट ऑब्जेक्ट से जो है जब कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जो है वो हीट ट्रांसफर होती है तो उसको हम कहते हैं कंडक्शन और सॉलिड्स में जो है वो इस तरह से हीट ट्रांसफर होती है कंडक्शन के थ्रू तो कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल्स तो जितने भी सॉलिड्स हैं उनमें सभी में जो है वो हीट ट्रांसफर होगी कंडक्शन के थ्रू ठीक है तो आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद